हेलो फ्रेंड्स, अक्सर मई जून में बहुत लू चलती है, तो इस लू से बचने के लिए ये हमारी कच्ची कैरी का पना है, बहुत काम आता है। और इस तरह से आप इस कच्ची कैरी का सिरप बनाकर एक बार इस कांच की बोतल में भरकर फ्रिज में स्टोर कर रख सकते हो। और आप कभी भी इस तरह बनाकर कच्ची कैरी का पन्ना तैयार कर सकते हो। तो आप जब भी कभी बाहर जाइएगा तो एक बार यह पीकर जाइएगा, तो आपको कभी भी लू से कभी कोई परेशानी नहीं होगी। यह रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कच्ची कैरी का सिरप बनाने के लिए मैंने यह कच्ची कैरियां ली हैं, 3 मीडियम साइज की, और इन्हें अच्छे से पहले वॉश कर लिया है। अब इसे हमें इसके ऊपर के जो डंठल वाला पार्ट रहता है वह निकाल देना है, और इसे मैं छील लूंगी। मैं इसे डायरेक्ट कुकर में डालकर बॉईल नहीं कर रही हूँ, थोड़ा अलग मेथड से बॉईल कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट कुकर में डालकर बॉईल कर सकते हो, वह मेथड थोड़ा टफ रहता है क्योंकि उसमें से जो गूदा निकालने में बहुत दिक्कत रहती है, हाथों से करना पड़ता है, इसलिए मैं इसे पहले छिलके निकाल कर फिर बॉईल करती हूँ। कैरी छील लेने के बाद इनका अब हमें गूदा अलग करना है, तो एक नाइफ की मदद से मैं इनका गूदा निकाल लूंगी और गुठली को अलग कर दूंगी, और गूदे को मुझे रफली चॉप कर लेना है। इस तरह से मैंने गूदा निकाल लिया है और इन्हें रफली चॉप कर लिया है। ये देखिए, इनकी पूरी गुठली इस तरह से अलग कर दिए। अब इन्हें हमें बॉईल करना है, तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो कच्ची कैरी बॉईल करने के लिए हमें इस तरह का कोई भी बर्तन ले लेना है, चाहे भगोनी ले लेनी है जिसमें हमें यह कैरी डाल देनी है बॉईल करने के लिए, और इसमें हमें लगभग 2 कप पानी ऐड करना है। स्टार्टिंग में आप कम ही रखिएगा, अगर बॉईल करते समय पानी कम हो जाए, कैरी कच्ची रह जाए, तो आप और ऐड कर सकते हो उस स्टेज पर। अब फ्लेम को हमें ऑन करना है, और अब हमें इसमें लगभग 2 बड़े टेबल स्पून सौंफ डालूंगी, यह बहुत अच्छा रहता है गर्मियों में और टेस्ट भी इन्हेंस होता है। अब इसे हमें कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर सॉफ्ट कैरी सॉफ्ट होने तक बॉईल करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, कैरी देखते हैं कवर हटा के। ये देखिए, आप जैसा कि देख सकते हैं कैरी हमारी सॉफ्ट लग रही है, और इसका जो पानी है लगभग 1/2 कप रह गया है। हमें पानी इतना रखना है, बिल्कुल रिड्यूस नहीं करना है। अब कैरी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और मैं आपको स्पून से एक बार कट करके दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए, चम्मच से ही हल्का सा कट हो रहा है, इसका मतलब कैरी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमें कैरी को पूरी तरह से ठंडा करना है, जिसके लिए मैं कैरी को इस तरह से एक बाउल में निकाल लूंगी और इन्हें पूरी तरह से ठंडा कर लूंगी, जिससे पीसते समय कोई परेशानी ना रहे, आराम से पीस सके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कैरी भी पूरी तरह से अब ठंडी हो चुकी है। तो अब एक मिक्सी का जार लेंगे जिसमें हमें कैरी पीसनी है, और कैरी को इसमें ट्रांसफर कर लेंगे पूरा। अब इसमें मैं धुले हुए 1 कप पुदीने के पत्ते ऐड करूंगी, यह भी जरूर डालिएगा, इससे फ्लेवर अच्छा हो जाता है, साथ ही साथ गर्मियों में बहुत ठंडक देता है। अब इसे थोड़ा सा पीस लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कैरी और पुदीने को हमने पीस लिया है। मैंने इस स्टेज पर पानी का यूज बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि कच्चा पानी डालेंगे तो सिरप जल्दी खराब हो जाएगा, इसलिए आप बॉईल करते समय लगभग 1/2 कप पानी जरूर छोड़िएगा। अब इसमें हमें 1 कप शुगर, 1 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून सफेद नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, आप तीखा अपने हिसाब से इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हमें सारी चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, बहुत स्मूथ बना लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका टेक्सचर जो है, ये देखिए बिल्कुल स्मूथ है। हमें इस तरह से इसका टेक्सचर रखना है, बिल्कुल स्मूथ रखना है। अब मैं एक कांच की बोतल लूंगी जिसमें हमें इसे स्टोर करके रखना है, तो मैं इसमें सारा सिरप ट्रांसफर कर लूंगी। आप चाहो तो प्लास्टिक के में भी कर सकते हो, पर कांच के में करोगे तो यह ज्यादा चलेगा, प्लास्टिक की में जल्दी खराब हो सकता है। तो मैं इस तरह से पूरा सिरप इसमें ट्रांसफर कर लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारा सिरप मैंने इस बोतल में भर लिया है।
आप इसे आप पैक करके 10 से 15 दिन के लिए फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी कोई बाहर से आए या कोई मेहमान आए, आप फटाफट से इस सिरप को निकाल कर फ्रीज में से कच्ची कैरी का पन्ना बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका कच्ची कैरी का पन्ना बनाते हैं सिरप से। कच्ची कैरी का पन्ना बनाने के लिए गिलास में मैं 2 आइस क्यूब डालूंगी। इसी के साथ इसमें हमें 2 पुदीने के पत्ते भी डालने हैं। वैसे तो हमने सिरप में डाला हुआ है, बस थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। अब इसमें हमें थोड़े थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा थोड़ा काला नमक, अब इसमें हमें 2 बड़े चम्मच भर के कच्ची कैरी का सिरप डालना है। और इसके बाद अब इसमें हमें अच्छा ठंडा पानी ऐड कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कहूँगी अगर पानी डालने के बाद चीनी और नमक एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद किसी को सर्व कीजिएगा। अगर कम है तो आप इसमें पिसी हुई चीनी डालिएगा और नमक डालिएगा। पिसी हुई चीनी जल्दी से मेल्ट हो जाएगी, तो आप पिसी हुई चीनी का यूज़ कीजिएगा इस स्टेज पर। अब हमें जो कच्ची कैरी का सिरप है पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कच्ची कैरी का पन्ना बनके तैयार है। इन गर्मियों में आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, यह बहुत टेस्टी होता है। और साथ ही साथ यह सिरप आप एक बार फ्रीज में स्टोर करके रख लीजिएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप फटाफट से इसे बनाकर तैयार भी कर सकते हो अगर यह सिरप आपके फ्रीज में रखा हो तो। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।